वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक वीडियो और बना करके जिससे कि बिहार से आपको बीटेक करना चाहिए था या नहीं करना चाहता, इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना दिया, जा करके आप देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। देखो मैं रियल ट्रूथ बताता हूँ, जो भी चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ मैं जो रियल फैक्ट एंड ट्रूथ है ना उसके ऊपर बात करता हूँ। मैं कोई ऐसा वैसा बात नहीं करता हूँ, जो रियल है उस पर मैं बात करता हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो सिंपल सा बात है कि बहुत लोगों का मन में डाउट आ रहा है कि बिहार इंजीनियरिंग इज ए बर्बाद इंजीनियरिंग। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है बोलते हुए, काफ़ी सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि बिहार इंजीनियरिंग बर्बाद कर देता है, बिहार इंजीनियरिंग से बीटेक करना मतलब बर्बाद होना है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो क्या रियल में एक्चुअल में क्या ट्रूथ है, कहाँ पे प्रॉब्लम है जिसके वजह से लोग इस टाइप के टर्म को यूज कर रहे हैं, और इसका क्या सिंपल सॉल्यूशन हो सकता है, इन दोनों पहलू पर बात करेंगे। तो प्रॉब्लम एक तरफ बात करेंगे, एक तरफ सॉल्यूशन बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देख कर जाना, आपको कंप्लीट पता चलेगी कि बिहार इंजीनियरिंग क्या वाकई में बर्बाद इंजीनियरिंग है या नहीं है। और लास्ट में आप अपना कंक्लूजन नीचे समराइज करके नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपका सही बात है या क्या आपका गलत बात है। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया कि बिहार इंजीनियरिंग बर्बाद इंजीनियरिंग, भाई क्या बात है, कैसे बोलते हो बिहार इंजीनियरिंग बर्बाद इंजीनियरिंग है, क्या सच्चाई है, आपको क्या पता है बिहार इंजीनियरिंग के बारे में। जो भी चीज़ें पता है ना वो चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगी प्रॉब्लम के हिसाब में, और उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है ये मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। तो पहले बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या क्या बिहार में। देखिए सबसे पहले वाई सम पीपल आर कॉल्ड बिहार इंजीनियरिंग बर्बाद इंजीनियरिंग, वाई पीपल क्यों ऐसा लोग कह क्यों रहे, प्रॉब्लम क्या है, आखिर लोगों को दिक्कत क्या है। तो सबसे पहले पहला प्रॉब्लम क्या है कि सेशन लेट को लेकर के। अभी मैं देख रहा था बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सेशन लेट है क्या, 2023 वालों का सेशन लेट है क्या, सेशन लेट चलता है क्या, हम अगर 4 साल बीटेक करना चाहेंगे तो क्या 4 साल के बदले 5 साल 6 साल लगेंगे क्या। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्या ट्रूथ है ना। अभी बात करेंगे सोल्यूशन के ऊपर तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन पहला प्रॉब्लम ये है कि लोगों में ये मिथ लग रहा है कि भाई सेशन लेट है, बट क्या एक्चुअल में चीज़ें अभी क्लियर हो जाएगा। अभी देखो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, बहुत लोगों के मन में ये मिथ है ना कि बिहार बिहार से बीटेक करेंगे, बिहार में है क्या, बिहार तो बर्बाद है, बिहार में है क्या, बिहार से इंजीनियरिंग करके हम क्या कर लेंगे, कोई एक बड़े ऑफिसर या एक बड़े लेवल का इंजीनियर या एक बड़े लेवल का हम वैसा चीज़ नहीं देख पाते अपने हम जो हमको अदर कॉलेज के यूनिवर्सिटी में या अदर यूनिवर्सिटी के अदर स्टेट में मुझे दिखती है। बट क्या अच्छा सही है क्या, क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में कमी है क्या सर बिहार से बीटेक करने में, भाई ये चीज़ क्लियर हो जाएगा, बस वीडियो को देखते चलो। उसके बाद बात करेंगे सक्सेस रेट। देखिए सक्सेस रेट के बाद लोग कहते हैं कि बिहार से बीटेक कर लिए हैं, मेरे घर में भैया मेरे बीटेक किए हुए हैं, मेरे घर में भी मेरी दीदी बीटेक की हुई है, वो भी 3 साल से घर बैठी हुई है, वो भी 4 साल से घर बैठी हुई है। भाई क्या प्रॉब्लम है, सक्सेस रेट क्यों नहीं है, लोग बीटेक कर रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं मिल रहा है, क्या सक्सेस रेट है, मतलब सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा लोगों को, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ में बात करेंगे प्लेसमेंट और जॉब सिक्योरिटी। देखिए प्लेसमेंट लोगों का होता नहीं है, लोग कहते हैं प्लेसमेंट है नहीं, लोग कहते हैं बीटेक करने के बाद भी जॉब मिलती नहीं है, तो कहाँ पर लैक है, कहाँ पर प्रॉब्लम है कि आप बीटेक कर रहे हो तो आपका प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं मिली है, कहाँ पर प्रॉब्लम है, बात करेंगे इसके ऊपर भी। साथ में बात करेंगे लोगों का माइंडसेट ऑफ स्टूडेंट। देखिए लोगों में एक माइंडसेट बना हुआ है कि मुझे बीटेक करना है और जॉब लेनी है या प्लेसमेंट लेनी है, मुझे पढ़ाई करनी है जॉब लेनी है और हमको गवर्नमेंट जॉब लेनी है प्राइवेट जॉब लेनी है, लेकिन जॉब ही लेनी है अल्टीमेटली। बट अल्टीमेटली ये पढ़ाई का मतलब थोड़े होता है कि आप पढ़ो चीज़ों को और जॉब के उस बेसिस पे उसको तौल दो, ऐसा करना तो बिल्कुल गलत होगा ना। पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि आप बस पढ़ो और जॉब लो, पढ़ाई का मतलब ये भी होता है कि आप चीज़ों को समझो कि क्या सही है क्या गलत है, क्या एक्चुअल में बात है उसके पीछे का, क्या उसका रीज़न है, उसका यूटिलाइज करो और कुछ ऐसा करो जिसके बिहाफ में आपको दुनिया भी याद करेगी, जैसे न्यूटन लोगों ने किया, ठीक ना, आइंस्टीन ने लोगों किया, लोग भी पढ़े, वो लोग भी समझे, वो लोग ने अपना रिसर्च दिया, तो चीज़ें वो लोग कैसे किए, इतना बड़ी चीज़ है आज उनको सब कोई जानता है, क्यों जानता है, उन्होंने भी पढ़ा, वो भी यही सोचते हैं कि हमको पढ़ना है और जॉब लेकर चुपचाप हो जाना है, पढ़ना है और जॉब लेकर के मर जाना है, जॉब करते करते मर जाना है, तो फिर वो लोग को कोई याद नहीं करता। तो कुछ अलग करना होगा आपको, इसके ऊपर बात करें कि आपका माइंडसेट ऐसा क्यों है। तो अब बात करते हैं ये सारे प्रॉब्लम को लेकर के लोग बोलते हैं कि बिहार इंजीनियरिंग बर्बाद इंजीनियरिंग। अब आपको समझ आया कि बिहार इंजीनियरिंग बर्बाद इंजीनियरिंग लोग क्यों कह रहे हैं, और अब बात करने में हमें इंटरेस्टेड है कि क्या रियल में ऐसा चीज़ है इन सारे प्रॉब्लम को लेकर के कि हम बिहार इंजीनियरिंग को बर्बाद इंजीनियरिंग बोल सकते हैं, क्या है अभी चीज़ समझाते हैं। देखिए जो लोग बोलते हैं ना कि सक्सेस जो लोग बोलते हैं कि सेशन लेट है, भाई सिंपल सी बात है कि अभी जो सिनेरियो है ना इस सेशन को लेकर के, इस सेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, मात्र 2 से 3 मंथ का डिले हुई है, 2 से 3 मंथ का मात्र डिले हुई है। वैसे देखा जाए तो 2 से 3 मंथ ये अभी डे बाई डे करते बढ़ते जा रहा है, तो हो सकता है 4 मंथ या 5 मंथ लेट होगा इस बार सेशन में, 4 से 5 मंथ का लेट हो सकता है, इस्टीमेटेड मैं बता रहा हूँ। 2 से 3 मंथ ऑलरेडी लेट हो चुका है, 1 से 2 मंथ और लेट होने ही वाला है फिक्स है,
तो ये जो 2 मंथ 3 मंथ या 4 मंथ के अबाउट देखा है तो जो लेट है उसके पीछे का रीजन एक ही है। रीजन क्या है कि यूनिवर्सिटी अभी चेंज हुई है। देखिए आप बिहार से अगर बीटेक करने जाओगे तो इसके पहले जो यूनिवर्सिटी थी वो थी आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी AKU। AKU में क्या था, मेडिकल, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, ठीक है, लाओ भी कुछ कोर्सेज थे जो लाओ के अंतर्गत आते वो भी कराए जाते थे, इंजीनियरिंग भी कराते थे। तो एक देखोगे तो पूरा चीज़ें उसके यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते थे, मतलब एक यूनिवर्सिटी थी उस यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारा कोर्सेज चल रही थी। तो बहुत सारा कोर्सेज को मैनेज करना, उतना सेशन को मैनेजमेंट करना, एग्जाम लेना, टाइम पे शेड्यूल निकालना, ठीक ना, कन्वोकेशन प्रोग्राम कराना, चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो बिहार सरकार का एक सिंपल डिसीजन आया कि हम जितने भी कॉलेज है जो इंजीनियरिंग के लिए है स्पेशली, उनको हम अलग कर देते हैं, उनको एक अलग यूनिवर्सिटी बना देते हैं जिसका नाम दिया गया बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। तो ये जैसे ही यूनिवर्सिटी बना ना, तो यूनिवर्सिटी का बनने का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सिटी बना दैट मीन उसका सब चीज़ अपना सेपरेट होगा, उसका चेयरमैन अलग होगा, ठीक है, उसका वाइस चेयरमैन अलग होगा, उसका पूरा एक टीम अलग होगा, पूरा एक जो कमेटी बनता है ना वो अलग होगा। एक यूनिवर्सिटी का गठन करना इतना आसान नहीं होता है, तो उस तरीका चीज़ों को कस्टमाइज़ किया जाएगा। तो उसमें टीम बनाने में, उस चीज़ों को फंक्शन करने में, ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी एफर्ट लगता है। तो वो सारे के एफर्ट डालते डालते ये 3 से 4 मंथ तो डिले हो ही गया। तो उसके वजह से एक डिले हो रहा है। दूसरा डिले ये हो रहा है कि बिहार यूनिवर्सिटी चेंज हुई है, तो एक और सबसे बड़ा इसमें फैक्टर है कि लैक ऑफ मैनेजमेंट। देखिए जब चीज़ें उनको पता ही था कि यूनिवर्सिटी चेंज करना है, जब उनको पता ही था कि यूनिवर्सिटी चेंज करना है, उनको सब चीज़ें प्लानिंग किया ही हुआ था, तो थोड़ा मैनेजमेंट और अच्छे से कर लेते हैं, थोड़ा और चीज़ों को अच्छे से मैनेज करते हैं कि हमको एकदम डी टू चीज़ों को अरेंज कर देना है, जिससे कि बच्चों का सेशन लेट ना हो, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर देना चाहता, थोड़ा सा मैनेजमेंट और अच्छे से करना चाहता मुझे लगता है। थोड़ा सा और तगड़े मेहनत करते ना, थोड़ा सा और मैनेजमेंट की कोशिश करते ना, तो शायद हम लोग का जो अभी डिले का काम चल रहा ना वो शायद नहीं हो पाता, क्योंकि टाइम तो था ही ना। लेकिन ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, अभी इलेक्शन भी है, तो ये जो 5 साल के बाद जो इलेक्शन आती है ना, तो इसमें भी कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल प्ले होता है, जिसकी वजह से लैक ऑफ मैनेजमेंट की कमी दिखी है और यूनिवर्सिटी का चेंज होने का कमी हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे लेट का जो है सिनेरियो चल रहा है। तो मैंने कंफर्म करता हूँ कि जो प्रॉब्लम लेट वाला है ना, ये मात्र 3 से लेकर के 5 मंथ के लेट में ही अभी चल रहा है यूनिवर्सिटी। 2 से 5 मंथ के बीच में ड्यूरेशन लेट चल रहा है 2023 वाले बच्चों का, ठीक है। और ये जो लेट चल रहा है, ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट लेट है। आपको पता होगा आप बीटेक 4 साल का करने वाले हो, तो 4 साल में सिंपल बात है कि 4 साल में 2 महीना 3 महीना लेट होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगले सेमेस्टर में जाओगे तो 1 मंथ की कटौती कर देंगे, अगले सेमेस्टर में जाओगे 1 मंथ की कटौती कर देंगे। तो अगर 3 मंथ का लेट हुआ तो अगले 3 सेमेस्टर दोगे, मतलब कि जैसे आप सेकंड ईयर के लास्ट तक जाओगे तो आपका सेशन कंप्लीट रूप से आप ऑन द टाइम हो जाएगा। तो इसमें कोई इशू है ही नहीं। तो इसमें जो बच्चे पैनिक हो रहे हैं ना कि सेशन लेट है, भाई कोई पैनिक की बात नहीं है, आगे चल के चीज़ें मैनेज कर ली जाती है। और सेशन लेट होने का एक और बड़ा सबसे प्रॉब्लम है, स्टूडेंट लोग का भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए था। स्टूडेंट लोग भी थोड़ा सा कॉपरेट करते ना यूनिवर्सिटी के साथ, तो थोड़ा सा बात बन सकती थी। बट ठीक है, स्टूडेंट का इसमें कोई खास मतलब प्रॉब्लम है नहीं। थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम हुआ था कि स्पेशल एग्जाम को लेकर उन्होंने आंदोलन किया, स्पेशल एग्जाम को लेने के बाद की, हालांकि उनका भी बात सही था कि उनका सेशन लेट था, उनको प्रॉब्लम था, तो उनका बात रखा गया। तो वो भी 1 मंथ में डिले हो गया कि उनका एग्जाम लेना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, थोड़ा सा उसमें भी डिले हुई है। तो एक वो भी फैक्टर करता है। तो ऑल ओवर मिला करके देखा जाए ना, तो 2 से 5 मंथ का ही डिले है, इससे ज़्यादा डिले नहीं है। और ये डिले आगे चल करके कंप्लीट रूप से देखोगे तो सॉल्व हो जाएगी, इसमें कोई पैनिक की बात और कोई चिंता की बात है ही नहीं। तो जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि बिहार इंजीनियरिंग का सेशन लेट चल रहा है, इसके वजह से बिहार इंजीनियरिंग बर्बाद इंजीनियरिंग है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया ना, इसके वजह से ये बर्बाद नहीं बोला जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भाई क्या मैटर करता है, क्वालिटी मतलब क्या आप एक्सपेक्ट करते हो, आप जरा मुझे बताना क्वालिटी का मतलब क्या आप एक्सपेक्ट करते हो, कि हम पढ़े बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से और हम बन जाए यूनिवर्सिटी का टॉपर, हम पढ़े बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हम बन जाए फ्यूचर के IAS, हम बन जाए यहाँ पे एक सबसे बड़ा इंजीनियर बन जाए जो कि UPSC लेवल का एग्जाम देके गेट ESC करके एक बड़े लेवल का इंजीनियर बन जाए, बन सकते हो। लेकिन ये जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है ना, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि देखो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक साइड से नहीं हो सकती ना। आप केवल बिहार सरकार चाहेगी कि हम अच्छे अच्छे टीचर को बहाल कर दे, BPSC के थ्रू टीचर से रिक्रूटमेंट करवा दे, और एक इन्वायरमेंट जो है कॉलेज में, जो फैसिलिटी है, जो हमारे पास लैब है, जो हमारे पास एकेडमिक है, जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे पास प्रेजेंट एम्प्लॉय हैं, जो टीचर है, फैकल्टी, उनको बेस्ट कर दें, तो क्या उससे आपका ये जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उससे आ जाएगा, बोलो, नहीं हो सकता भाई। उसके लिए आपको भी तो एफर्ट मारना पड़ेगा ना, आपको भी तो अपना देना पड़ेगा ना, आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, एकदम सच्चाई बता रहा हूँ, आपको भी एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको खुद भी मेहनत करना पड़ेगा। जो आप सोचते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की जो बात करते हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहाँ से मिलेगा,
सब चीजें बिहार सरकार कर तो रही है ना, लेकिन करने के साथ साथ आप कितना कर रहे हो, आप अपने आप पे कितना टाइम दे रहे हो, जो सेमेस्टर में पढ़ना है ना उसको आप कितना फोकस अगर पढ़ रहे हो, आप उसको कितना 100% देके पढ़ रहे हो, उस पर भी तो डिपेंड करता है ना। तो आप जो हमेशा बोलते हो बिहार इंजीनियरिंग बर्बाद है, इंजीनियरिंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कब मिलेगा, जब आप में क्वालिटी होगा तब ना। आप टीचर जाकर झगड़ा कर लोगे, हॉस्टल के गेट तोड़ दोगे, आप जाके किसी फैकल्टी से मार झगड़ा कर लोगे, तो क्वालिटी कहाँ बिगड़ रही है, आपके तरफ से भी तो बिगड़ रही है ना। तो थोड़ा आपको भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना पड़ेगा, तो क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हम कर पाएंगे। तो इसके लिए सिंपल सा हमारे पास सोल्यूशन यही है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाने के लिए आप ऐसा करें कि आप अपने आप को भी थोड़ा सा अपग्रेड करिए। तो क्या करिए, आप अपना स्किल या अपना खुद पे आप अपना अपग्रेडेशन करिए, खुद पे खुद को आप अपडेट करिए, ठीक है ना। तो ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे आई होप कि आपको समझ में आएगा। दूसरा तीसरा लोग बोलते हैं ना कि सक्सेस रेट नहीं है, कुछ लोग ऐसा बोलते थे ऐसा कि मेरे पड़ोस वाले भैया हैं वो भी 4 साल से बीटेक करके बैठे हुए हैं, मेरी दीदी भी है 2 साल से बीटेक करके बैठी है। तो एक जो देखा जाए ना कि सक्सेस रेट वो नहीं है, सक्सेस रेट कब आएगा बताना जरा मेरे को, सक्सेस रेट कब आएगा, जब आप केवल डिग्री कंप्लीट करके चीजों को देखोगे कि मेरी सक्सेस मिल जाएगा, तो पॉसिबल है क्या? आज का जमाना ऐसा नहीं रहा ना। सक्सेस पाने के लिए आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, एफर्ट डालने के लिए आपको स्किल इंटीग्रेट होना पड़ेगा, आपको टेक्नोलॉजी के अनुसार आपको इंटीग्रेट होना पड़ेगा, अपने एनवायरमेंट के अनुसार आपको इंटीग्रेट होना पड़ेगा, अपने फ्यूचर स्कोप के साथ। आप सोचते हो कि सिविल से किए, मैकेनिकल से किए, इलेक्ट्रिकल से किए, सीए से किए और हम डिग्री कंप्लीट कर लिए और चुपचाप हो जाए हमको जॉब मिल जाए, तो उसे सक्सेस रेट बढ़ जाएगा, सक्सेस रेट मिल जाएगा, कभी नहीं पॉसिबल है। आपको अपने स्किल पे काम करना होगा, आपको अपने देखना पड़ेगा कि मार्केट में क्या चीज की जरूरत है, आपको अपना देखना पड़ेगा कि आपको कहाँ पे चीजों को देखा जाएगा, जहां से फ्यूचर बढ़ रही है, जहां पे डिमांड है वहां पे आप अपना एफर्ट डालो ना, उसके लिए आप मेहनत करो ना, तो ना आप अपना सक्सेस रेट बढ़ा सकते हो ना, तो फिर ये सक्सेस रेट बढ़ेगा। आप केवल डिग्री कंप्लीट करके घर बैठने ऐसा नहीं होगा ना, आपको थोड़ा जो चीजें पढ़ाई गई ना उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो, उसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो, उससे आप हो सकता है तो अपना कोई स्टार्टअप करो, एंटरप्रेन्योरशिप बनो, ठीक ना, या ऐसा करो कि कुछ ऐसा चीजें करो जिससे कि आपको अपना स्किल का यूज कर सको, आप जो चीजें पढ़े हो उसको आप यूज कर सको। ये तब कब कर सकते हो, जब केवल डिग्री कंप्लीट करके सेमेस्टर में कुछ पढ़ाया नहीं, चीट से लिख के मैंने पास कर गया, जैसे तैसे मैंने करके पास हो गया, पढ़ाई वढ़ाई की नहीं, मैंने चीटिंग वोटिंग करके पास हो गया, तो क्या उससे डिग्री कंप्लीट हो जाती है? लेकिन उससे आपका सक्सेस नहीं मिलता है ना, सक्सेस के लिए तो आपको एफर्ट डालना पड़ेगा ना, वो एफर्ट आप डाल रहे हो, खुद से पूछो ना, खुद से पूछोगे तो पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा है, तो वो अगर करते हो तब आपको सक्सेस मिलेगी, इसीलिए लोग घर बैठे हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो उसके बाद जो लोग बोलते हैं ना कि प्लेसमेंट नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, भाई प्लेसमेंट और जॉब कब मिलेगी, जब आप प्लेसमेंट में बैठोगे। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, प्लेसमेंट में बैठने की रेशियो आजकल बहुत कम हो गई है, लोग सोचते हैं कि हमको प्लेसमेंट से कोई मतलब नहीं है, फालतू की कंपनी आती है जॉब, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अच्छी कंपनी नहीं आती है बिहार में, चलो ये मानते हैं कि अच्छी कंपनी नहीं आती है, मैंने भी प्लेसमेंट लिए हैं, मेरे भी प्लेसमेंट हुए थे तो मैंने ही माना कि मेरी कंपनी अच्छी नहीं थी इसलिए मैंने ज्वाइन भी नहीं किया, चलो वो फैक्टर मानते हैं हम लोग, लेकिन इसका मतलब थोड़ा ये हुआ कि आपको 100% जो कंपनी मिलेगी एज ए फ्रेशर आपको बढ़िया कंपनी मिल जाएगी। एज ए फ्रेशर आपको काम करना है तो सबसे पहले छोटी कंपनी में ही आपको जाना पड़ेगा, एज ए फ्रेशर आपको कम पैकेज पर ही आपको जाना पड़ेगा, ये चीज क्यों नहीं सोचते हो? मार्केट में कोई आपको उठा के 10 लाख पे 15 लाख पे तो नहीं रख देगा ना, आपको तो शुरू से मेहनत करना पड़ेगा, तो पहले 4 लाख के तो पैकेज लो ना, 3 लाख के पैकेज लो, 2 लाख की पैकेज पर जाओ, तो छोटे छोटे चीजों का आप काम करो, छोटे छोटे जगह पर जाओगे, प्लेसमेंट लोगे, बढ़िया काम करोगे, सीखोगे, थोड़ा अपने आप को अपग्रेड करोगे, फिर आप अच्छे पोजीशन पर जाओगे, तो वहां से स्विच करके आप जा सकते हो ना अच्छे अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट लेकर के, आप अच्छी अच्छी कंपनी में इंटरव्यू दोगे, फिर प्लेसमेंट लेके आगे बढ़ सकते हो। तो ये तब कर पाओगे ना जब आप एक छोटी सी जगह से शुरुआत कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमको प्लेसमेंट नहीं बैठना, अच्छी कंपनी नहीं आती है, कंपनी तो सही बात है अच्छी नहीं आती है बिहार में, नहीं आती इसका मतलब थोड़े हुआ कि आप खुद से चीजों को देख रहे हो। अरे भाई आप छोटे जगह पे बैठो, वहां निकलो, वहां से पास करो, फिर आगे जाओ तो फिर आप बड़े कंपनी में जा सकते हो ना, उसके लिए एक लाइन बनाया गया सीक्वेंस, उसको फॉलो करो। आप एकदम बड़े से बैठ गए कि हमको गूगल आके हमको हायर करेगी तभी हम जाएंगे, कितने आसान तो नहीं है ना गूगल की आपको आके बिहार में हायरिंग कर लेगी, आएगी लेकिन आप उसके लायक बनोगे तब तो आएगी ना। तो आप अपने स्किल पर भी काम करना एक बार, ठीक है। अब देखो अभी क्या है कि लोगों का माइंडसेट थोड़ा सा बदला नहीं है, लोगों में ये रहता है कि हम बिहार से बीटेक कर रहे हैं या हम कहीं से बीटेक कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में बस एक ही चीज चलता है कि हमको अगर बीटेक कर रहे हैं हमको जॉब चाहिए, हम इंजीनियर बन जाएंगे और हमको एक बढ़िया सा पैकेज लग जाएगा, हम इंजीनियर बन जाएंगे, हमारी माइंडसेट यही होती है। बट ये माइंडसेट के अनुसार आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, आपको माइंडसेट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आपको सिंपल में बताता हूँ इसका सोल्यूशन, आपको क्या करना है कि ट्राई टू बी चेंज योर एनवायरमेंट, आप जिस भी एनवायरमेंट के आसपास रहते हो ना 4-5 लोगों के ऐसे मिलो ना, ऐसे लोगों के साथ जुड़ो जो लोगों में एक पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है, जो लोगों में एक पॉजिटिविटी एनर्जी है, जो लोग आपको हेल्प कर रहे हैं या जो लोग आपसे जुड़ने के बाद से
चीज़ों को देख रहे हैं कि हाँ हमको इस जगह पे काम करनी है, हमको ऐसा अपना माइंडसेट बनाना है, वैसे लोगों से कनेक्ट करो। आप क्या करोगे कॉलेज में जा करके, जो लोग भी फालतू का काम कर रहे हैं, माँ झगड़ा में इन्वॉल्व है, जो लोग कॉलेज का गेट तोड़ रहे हैं, इधर से उधर फालतू का काम कर रहे हैं, आप उसके साथ जाके इन्वॉल्व हो जाओगे, तो फिर कैसे आप चीज़ों को कर पाओगे। तो ये जो माइंडसेट है ना, इसको बदलो। आप खुद का इन्वायरमेंट जो आसपास में रहते हैं ना, जो दोस्त सर्कल है, उस दोस्त सर्कल को बदलो, उसको देखो कि कहाँ पे लोगों में प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई करो। दोस्त आपके लायक नहीं है, उसको स्विच करो, दूसरा दोस्त बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जो अपग्रेडेशन लायक है ना, उसको अपडेट करो। आप खुद को अपडेट करने की हमेशा कोशिश करो। तो ये माइंडसेट लोगों से आपको चेंज करना पड़ेगा। फिर ट्राई टू बी चेंज योर थिंकिंग, थोड़ा सा अपना थिंकिंग को भी बदलो कि मुझे अगर कुछ चेंज करना है तो मुझे इनिशिएट करना आना चाहिए था। जो लोग बोलते हैं ना कि बिहार इंजीनियरिंग बर्बाद है, ऐसा है वैसा फंक्शन है, ऐसे नहीं हो रहा वैसे नहीं, भाई आप प्रॉब्लम पे तब तक फोकस करो तब तक ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इज योर प्रॉब्लम व्हेन यू फोकस ऑन योर प्रॉब्लम। तब तक ये प्रॉब्लम है जब आप प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हो। प्रॉब्लम को छोड़ करके आप सोल्यूशन में बात करो ना, सोल्यूशन को देखो ना, तब ना आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आप जो प्रॉब्लम गिनाते हो ना कि ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को गिनाना छोड़ो, सोल्यूशन पे क्या बात करो। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि सेशन लेट है, ऐसे है वैसे, तो भाई जो प्रॉब्लम गिना रहे हो ना कि सेशन लेट है, ये ऐसे वैसे है, सिंपल से एक काम करो, आप एक अपना एप्लीकेशन लिखो और अपने प्रिंसिपल को जाकर के दो कि देखिए मेरे पास एक आइडिया है जिसके बिहाफ में हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, हम ये प्रूव कर सकते हैं कि हम बिहार इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, हमारे में काबिलियत है, हम चाहते हैं तो चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का ये रहा सोल्यूशन, आप लिखित रूप में दे दिए अपने प्रिंसिपल को। अगर प्रिंसिपल को अच्छा लगेगा तो वो कैरी फॉरवर्ड करेगा, आगे भेजेगा। बिहार सरकार को अच्छा लगेगा, कहेगा वाह कितना बढ़िया बच्चा है, ये प्रॉब्लम थी कितना अच्छा सोल्यूशन दिया है। तो सोल्यूशन आपके पास है तो दो ना, आप उसे आगे बढ़ाओ ना, उससे प्रोसीड करो ना, आप डिस्कस करो ना लोगों से। आप प्रॉब्लम पर डिस्कस करते नहीं हो, सॉरी प्रॉब्लम के सोल्यूशन पर डिस्कस करते नहीं, आप प्रॉब्लम पर डिस्कस करते हो। तो प्रॉब्लम पर डिस्कस करोगे तो थोड़े सोल्यूशन मिलेगा, सोल्यूशन पर बात करो, सोल्यूशन के बारे में सोचो ना कि सोल्यूशन मुझे कैसे मिलेगा, सोल्यूशन क्या हो सकता है, वो सोल्यूशन आप फाइंड आउट करो। फिर अपने प्रिंसिपल से, कॉलेज के स्टाफ से, फैकल्टी से बताओ, उनको सही लगेगा, वो बेशक आपकी बात मानेंगे। और अगर ऐसा हुआ बाय द वे कोई प्रॉब्लम है तो आप प्रॉब्लम बताओगे तभी तो कोई सोल्यूशन बात करेगा ना। आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही काउंट करवाते रहते हो तो कैसे सोल्यूशन मिलेगा, आप सोल्यूशन में बात करो। तो आई होप कि ना कि जो लोग बोलते हैं बिहार इंजीनियरिंग बर्बाद है, तो क्यों बोलते हैं, उसका क्या सोल्यूशन है, ये चीज़ क्लियर हो चुका है। तो आज से जो लोग बोलते हैं बिहार इंजीनियरिंग बर्बाद है, क्या रियल ट्रूथ है आपको पता चल चुका है ना। अब आपका काम रहा कि नीचे कमेंट करना है सभी लोगों को और ये बताना है कि क्या वाकई में बिहार इंजीनियरिंग बर्बाद इंजीनियरिंग है, और आपका एक रीजन देना है कि क्या रीजन हो सकता है और उसका सोल्यूशन भी देना है। मैंने दोनों चीजों को डिस्कस करा, जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को डिस्कस करो कि ये बिहार इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है, नीचे आप सोल्यूशन भी देना कि ये सोल्यूशन इसका हो सकता है। फिर अगर मुझे सोल्यूशन अच्छा लगेगा तो मैं अपने एंगल से कोशिश करूंगा कि ये बात यूनिवर्सिटी तक पहुंचाऊं, या एक जो प्रॉपर तरीका हो सकता है उस तक हम यूनिवर्सिटी तक इस बात को पहुंचाएं कि सर ये आपका ये प्रॉब्लम है, हमारे पास ये सोल्यूशन है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको इंप्लीमेंट करिए। ये तरीका होता है, ये तरीका नहीं होता कि बस आप प्रॉब्लम गिना दो और खुश हो जाओ और इसको बर्बाद नहीं। भाई देखोगे ना बिहार इंजीनियरिंग का हर एक कॉलेज का बजट देखोगे तो 200 करोड़ का बना हुआ है, 200 करोड़ लगा करके बिहार इंजीनियरिंग का बर्बाद इंजीनियरिंग बोलने में लगे हो, दैट्स नॉट राइट। मेरे ख्याल से जो चीज़ें थी वो मैंने समझा दिए। बाकी आपको क्या सही लगता है क्या गलत लगता है नीचे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो से हम लेते हैं अलविदा, ये वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।